तो तुम्हें किसी से प्यार हुआ और एक हफ्ते में ही वो तुम्हारा दिल तोड़ के चली गई, और इस जुदाई के गम को तुम डिप्रेशन कहते हो। तो हो सकता है तुम गलत हो, क्योंकि एक हफ्ता तो अमेज़ॉन की सेल भी नहीं चलती, तो प्यार तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। रोज़ रात को अगर जागकर तुम 4 AM वाला स्टेटस डालते हो और ख़ुद को इंसोमनियाक बुलाते हो सकता है तुम गलत हो, क्योंकि जो शाम को सोया हो उसकी रातों की नींद उड़ना तो तय है। अगर किसी के घर जाके तुम उनका टेढ़ा सा फोटो फ्रेम सीधा कर देते हो और इस टेढ़ी मेढ़ी आदत को OCD बुलाते हो, तो शायद तुम गलत हो सकते हो, क्योंकि शायद ये और कुछ नहीं, तुम्हारे कान में गूंजती तुम्हारी माँ की डांट है। अगर ज़रा सा भी एक्साइटेड या नर्वस होने को तुम बड़े ही प्यार से पैनिक अटैक या एंग्जाइटी अटैक का नाम दे देते हो, तो हो सकता है तुम गलत हो। तुम डेफिनेटली गलत हो, क्योंकि कोई वहाँ पे है बाहर, एक अकेली शायद एक कोने में बैठी हुई एक लड़की या लड़का जिसका कोई नेम, उसको नहीं समझ आ रहा उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसको नहीं पता वो क्यों रो रही है, एंड उसके पास कोई नहीं सुनने वाला। शायद अंदर का शोर ज़्यादा है पर बाहर कोई सुनने वाला नहीं। अगर तुम्हें वो मिले तो उसे पकड़ लो, जकड़ लो एंड बता दो कि तुम उसके लिए हो, एंड वो लड़ाई उसके अकेले नहीं है। बस इस वीडियो के लिए यही है गाइज, जस्ट नो दैट मेंटल हेल्थ इज़ अ रियल थिंग, ये मजाक नहीं है। ब्रेन भी एक ऑर्गन है, उसको भी बीमारी हो सकती है। अगर दिल को हो सकती है, हड्डियों को हो सकती है, दिमाग को भी हो सकता है। अगर तुम या कोई जिसे तुम जानते हो सफ़र कर रहा है या तुम्हें लग रहा है सफ़र कर रहा है, बात करो उससे, या खुद अप्रोच समवन, टॉक टू समवन, एनीवन यू ट्रस्ट। ट्रस्ट में तुम अकेले नहीं हो, कोई ना कोई है, और कोई नहीं तो मैं हूँ। अगर ये वीडियो किसी को भी पहुँचे जिसको इसकी ज़रूरत है या पहुँचने की ज़रूरत है, तो इसे शेयर करो। बस उतनी ही मेहनत लगेगी जितनी एक लाइक या डिसलाइक में लगती है, पर दिस इज़ समथिंग दैट पीपल नीड टू नो। एंड इसके साथ बहुत सारा प्यार उन लोगों को जो शायद सफ़र कर रहे हैं, एंड काश तुम्हें और ज़्यादा देर ना करना पड़े। वी आर देयर फॉर यू, दिस इज़ समथिंग वर्थ इट गाइज, डोंट लेट इट गो अननोटिस्ड। एंड मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।